दोस्तों स्मार्टफोन्स हो, कंप्यूटर्स हो, टैबलेट्स हो, फैबलेट्स हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वो सारे फंक्शन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर डिवाइस में प्रोसेसर्स लगे होते हैं। आपका डिवाइस कितना फास्ट वर्क करेगा, आपकी डिवाइस की पावर कंजप्शन कितनी होगी, ये सारा कुछ डिपेंड करता है उसी प्रोसेसर पे। और वो प्रोसेसर कितना फास्ट वर्क करेगा, प्रोसेसर की पावर कंजप्शन कितनी होगी, ये डिपेंड करता है उस प्रोसेसर में यूज्ड हुई टेक्नोलॉजी पे। मतलब आपका प्रोसेसर 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है या फिर 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और ऐसा ही कई टेक्नोलॉजीज है। और जो लेटेस्ट है वो है 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी, जो कि अभी आपको लेटेस्ट एप्पल के A12 बायोनिक चिप में देखने को मिलता है, और आने वाले दिनों में आपको क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 855 में 7 नैनोमीटर बेस्ड चिप मिलने वाला है। और 2019 में तो ऐसे चिप्स जिनमें की 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज होने वाली, उनकी बाढ़ सी आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी, जो कि आपको जानने चाहिए, और वो भी ये सारी जानकारी मैं लेके आया हूं आपके लिए डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए जानते हैं 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के बेस्ड प्रोसेसर्स के बारे में। दोस्तों 2015 में सबसे पहले IBM ने पहला 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड फंक्शनल प्रोसेसर बनाया था। और आज मैं 2018 में इस टेक्नोलॉजी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 2015 में जो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोसेसर बने थे वो अफोर्डेबल नहीं थे, और साथ ही साथ उसकी मैक्सिमम लोगों तक रीच नहीं थी। लेकिन आज अभी ये टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल भी है, वैसे तो चीप नहीं है लेकिन फिर भी अफोर्डेबल है, और नॉर्मल यूजर्स तक इसकी रीच भी है। दोस्तों कोई भी प्रोसेसर हो, मेमोरी हो, ICs हो, या बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में कोई भी चिप हो, वो सभी बने होते हैं बेसिक लेवल पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से। इन चिप्स पे ट्रांजिस्टर्स की ब्लॉक्स होती हैं, छोटी छोटी मॉड्यूल्स होती हैं, और इन्हीं ब्लॉक्स और मॉड्यूल्स के बीच में जब कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है तब जाके आपका प्रोसेसर फंक्शन करता है। और इन चिप्स पे जो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं इनमें होते हैं तीन बेसिक चीजें। पहला होता है सोर्स, दूसरा है ड्रेन, और इस सोर्स और ड्रेन के बीच में होते हैं चैनल्स, और इनको हम गेट भी बोलते हैं। और ये चैनल्स आपके ट्रांजिस्टर में होने वाले इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। आपका जो भी प्रोसेसर है उसमें सोर्स से ड्रेन के तरफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, और ये चैनल्स उसी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। मतलब आपके प्रोसेसर में इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट मूव करेगा, वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए, ये सारा डिपेंड करता है उस चैनल पे। और जो मैं 10 नैनोमीटर या फिर 12, 14 कुछ भी बोल रहा हूँ, इसका मतलब है उसी चैनल के विड्थ से। फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई प्रोसेसर बेस्ड है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, तो उसका मतलब ये है कि उस प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर है और उस ट्रांजिस्टर में जो चैनल है उसकी विड्थ है 10 नैनोमीटर। उसी तरह अगर 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी, तो उसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर की जो चैनल है उसकी साइज है 12 नैनोमीटर। दोस्तों बात यह आती है कि इन चैनल की विड्थ से फर्क क्या पड़ता है, मतलब कि अगर चैनल की विड्थ ज्यादा होगी या फिर कम होगी तो उससे आपके प्रोसेसर के वर्किंग या फिर प्रोसेसर के फंक्शनिंग पे क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों क्योंकि ये चैनल्स आपके प्रोसेसर में जो भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है ट्रांजिस्टर के अंदर उसको कंट्रोल करता है, इसीलिए इन चैनल्स की विड्थ या फिर ये जितने वाइड होंगे आपके चैनल में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है उसमें उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, और साथ ही साथ उतना ही ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम होगा। और जितना कम वाइड होगा ये चैनल, आपके जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स हैं उस ट्रांजिस्टर के अंदर उसमें उतना ही कम टाइम लगेगा, और साथ ही साथ पावर कंजप्शन भी कम होगा। मतलब बेसिकली शॉर्ट में आप ये समझो कि आपके चैनल की विड्थ जितनी कम होगी आपका प्रोसेसर उतना ही एफिशिएंट होगा और उतना ही कम पावर कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि अगर मैं किसी प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ जो कि 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और अगर उसको कंपेयर करेंगे आप 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर से, तो जो 10 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी है वो 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर से ज्यादा एफिशिएंट होगा, और साथ ही साथ वो कम पावर कंज्यूम करेगा। और अगर 7 नैनोमीटर को आप कंपेयर करते हो 10 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर से, तो जो भी 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी है वो 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाले से 50% तक ज्यादा एफिशिएंट वर्क करेगा, और पावर कंजप्शन 50% तक कम होगी। दोस्तों जो भी नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो बने होते हैं सिलिकॉन के, मतलब उनमें सिलिकॉन चिप होती है, लेकिन जो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ट्रांजिस्टर्स हैं वो सिलिकॉन के साथ साथ जर्मेनियम के अलॉय से बने हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए अच्छा होता है, और साथ ही साथ उसमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ स्पेस भी होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सके। दोस्तों जैसे जैसे इन ट्रांजिस्टर्स की साइज कम होती जा रही है, पहले हम 20 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर्स यूज कर रहे थे, उसके बाद 14, फिर 12, फिर 10, और अब 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में 2025 तक हम यूज कर पाएंगे 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर। मतलब 2025 तक आपको वैसे फोन मिलेंगे जिसमें कि जो प्रोसेसर होंगे वो बेस्ड होंगे 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। लेकिन जैसे जैसे ये साइज छोटे होते जा रहे हैं
आपके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम किसी दिन एज पे पहुंच जाएंगे, हम एक दिन ऐसे लिमिट पे पहुंच जाएंगे कि अगर उससे कम साइज के अगर ट्रांजिस्टर्स बनते हैं तो फिर वो कंपेरेबल हो जाएगा सिंगल एटॉमिक साइज के। मतलब एक लिमिट ऐसा आएगा जहां पे एटॉमिक साइज और जो ट्रांजिस्टर का साइज है वो सेम हो जाएगा। तो उस केस में अगर एटम की साइज और ट्रांजिस्टर की साइज सेम हो जाएगी तो एटम्स के जो अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है ट्रांजिस्टर के अंदर या फिर उस प्रोसेसर में जो भी ट्रांजिस्टर्स है वहां पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर है और जो एटम है दोनों की साइज सेम है, तो वहां पे स्पेस ही नहीं बचेगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो पाए, तो वैसे में आपका प्रोसेसर फंक्शन नहीं कर पाएगा। और यहीं पे फिर बात आती है क्वांटम कंप्यूटर्स की, फिर बायो कंप्यूटर्स की। और ये अभी वैसे तो क्वांटम कंप्यूटर्स और बायो कंप्यूटर्स थ्योरेटिकल हैं, लेकिन डेफिनेटली ये आगे आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं आने वाले 10 सालों में, क्योंकि हम एक दिन लिमिट पे पहुंच रहे हैं ट्रांजिस्टर की साइज को कम करते करते। आगे जाके या फिर हम 2 नैनोमीटर या फिर 1 नैनोमीटर तक जाके हमें रुकना होगा, हम उससे नीचे के ट्रांजिस्टर्स नहीं बना सकते क्योंकि वो एटॉमिक साइज के बराबर होंगे, इसीलिए वो फंक्शन नहीं करेंगे। और इसके बाद हमें एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना होगा, और वो अल्टरनेटिव है ये क्वांटम कंप्यूटर्स और बायो कंप्यूटर। आने वाले वीडियो में मैं इन दोनों के बारे में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ट प्रोसेसर के बारे में समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। टेक्नोलॉजी या फिर मेरे चैनल रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो प्लीज नीचे कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।